रेसिपी के साथ जिसमें हम बनाएंगे 4 आलू से बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता, जो कि सबको पसंद आएगा, बहुत कम टाइम में बन जाएगा और सबका फेवरेट होगा। तो आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज के कच्चे आलू, और अब हमें सबसे पहले आलू का छिलका उतारना है। तो आप देख सकते हैं सारे आलू के मैंने छिलके अच्छे से उतार दिए हैं। अब एक एक आलू को हमें क्यूब्स में कट कर लेना है छोटे छोटे। तो इसका ऊपर का निकालेंगे और अब हमें इसे क्यूब्स में कट करना है। छोटे छोटे क्यूब्स में हमें इन्हें कट कर लेना है। इस तरह से हमें सारे आलू को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और एक बर्तन में हमें पानी ले लेना है और ये सारे आलू हमें इसमें डालते जाने हैं, जिससे कि आलू हमारे काले ना पड़े। तो सारे आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और अब इन आलू को हमें अच्छे से धो लेना है, जिससे कि इसमें से सारा स्टार्च निकल जाएगा। 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे आलू को। तो आप देख सकते हैं सारे आलू को मैंने 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से धो लिया है और सारा स्टार्च हमने इसका निकाल दिया है। और अब हमें लेना है एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी, और उसे हमें हल्का गुनगुना कर लेना है। थोड़ा सा पानी और इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, और इसमें हमें डालना है 1 चम्मच नमक, और सारे आलू हमें इसमें डाल देने हैं। सारे आलू हम इसमें डाल देंगे। और सारे आलू हमें इसमें अच्छे से एक बार मिक्स कर देने हैं, और इसे हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। 5 मिनट हो गए आलू को रखे हुए, और अब हमें लेना है चलनी, और ये सारे आलू हमें एक चलनी में निकाल लेने हैं। और सारा पानी हमें इसका अलग होने देना है इससे। अब हमें लेनी है एक प्लेट, और उसमें हमें बिछा लेना है कोई कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर। तो कपड़ा बिछा लेंगे एक, और ये सारे आलू हमें इस पे निकाल देने हैं, और आलू को हमें अच्छे से पोंछ लेना है। सारे आलू हमें अच्छे से पोंछ लेने हैं, जिससे कि इसमें पानी ना रहे और इनको तलने में हमें टाइम ना लगे। अब हमें एक कढ़ाई में ऑयल गरम रख देना है, और ऑयल को हमें अच्छे से गरम होने देना है। और सारे आलू गरम हो गया है, अब हमें आलू इसमें डालने हैं। तो एक बार में जितने आएंगे हम इसमें डाल देंगे, और इन्हें हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने देना है। इन्हें हमें चलाते रहना है, जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हमें अच्छे से फ्राई होने देना है। तो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हमें एक प्लेट में निकाल लेना है, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो हमें इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं।
सारे हमें एक प्लेट में निकाल लेने हैं। तो सारे मैंने अच्छे से आलू को गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं, और अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। मसाले डाल के भी आप खा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, जिससे कि हमारे आलू बहुत ज़्यादा चटपटे बन जाएंगे। और अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देख सकते हैं आवाज से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये। सारे में मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आलू से बहुत कम टाइम लगा, बहुत टेस्टी बना है, क्रिस्पी बना है, करारा बना है, चटपटा बना है। तो आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।